मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडी एंड लाभ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मस्ती भी कर रहे होंगे। तो लास्ट सेशन पे हमने आपको मल्टी डायमेंशनल अरे के प्रोसेसिंग के बारे में बताया था। हमने उसमें मैट्रिक्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल किए थे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, और सी लैंग्वेज में कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हम फंक्शंस का प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पहले सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस की। पहले अगर हम फंक्शंस को डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन क्या है। इट इज a set of instructions written to perform some specific फंक्शन क्या है? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी विशेष काम को करने के लिए लिखे गए। अगर हम परिभाषा के हिसाब से देखें तो प्रोग्राम का परिभाषा क्या होता है? प्रोग्राम का परिभाषा कर लेंगे, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वही हमारा क्या है? प्रोग्राम है। तो देखा जाए तो दोनों लगभग सेम है। ये भी किसी काम के लिए लिखा गया है, ये भी किसी काम के लिए लिखा गया है ना? तो क्या हमारा फंक्शन प्रोग्राम है? क्या हमारा प्रोग्राम फंक्शन है, ऐसा कह सकते हैं? आंसर इज नो। दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है, प्रोग्राम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो रन कर सकता है, बट फंक्शन को डायरेक्टली रन, अगर फंक्शन को रन करना है तो किसी प्रोग्राम के अंदर रन कर सकते हैं, फंक्शन को किसी प्रोग्राम के अंदर रन कर सकते हैं, प्रोग्राम अकेले रन नहीं कर सकते, सॉरी फंक्शन अकेले रन नहीं कर सकता। तो हम इसको यहां पे ऐड कर सकते हैं, अ फंक्शन कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली on its own। वो स्वतः इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर सकता, राइट? इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर सकता। अगर उसे रन करना है तो वो किसी प्रोग्राम के अंदर रन करेगा। इट कैन एग्जीक्यूट when it is called inside a program। हम प्रोग्राम में जब उसको कॉल करेंगे तभी ये रन कर सकता है, ठीक है? Now आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, फंक्शन क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। माने चार इंस्ट्रक्शन का सेट है, तो फंक्शन बनाने की आवश्यकता क्यों है? हम यही इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लिखते हैं, काम तो वही करेगा, बोलो करेगा ना? तो जब हम चार इंस्ट्रक्शन लिख ही रहे हैं तो उसको डायरेक्टली फंक्शन बना के ना बना करके प्रोग्राम के अंदर ही लिखते हैं,
काम करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हम क्यों बना रहे हैं फंक्शन, क्यों बनाए? आंसर है हाँ, वेरी गुड। अगर हमें यही काम चार बार करना हो तो अब ये बोल सकता है, गणेश बोल सकता है कि सर उसका लूप बना लो, सही है ना, चार बार का लूप चला दो। बट गणेश आधा सही है, पूरी तरह से सही नहीं है। अगर एक साथ चार बार जरूरत है तब तो लूप चला दो, बट एक बार यहां आवश्यकता है, एक बार यहां आवश्यकता है, एक बार यहां आवश्यकता है, तीन अलग अलग जगह पे चाहिए उसको, या चार अलग अलग जगह पे चाहिए, तो वहां पे तो लूप नहीं चलेगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा, यही कोड यहां पे लिखना पड़ेगा, वही कोड यहां लिखना पड़ेगा, वही कोड। तो आपने क्या किया, चीजों को बार बार रिपीट किया, और चीजों को रिपीट करने में क्या हुआ, प्रोग्राम की साइज बढ़ गई। और जब प्रोग्राम की साइज बढ़ी जाती है तो वो मेमोरी में ज्यादा जगह लेगी, लेगी ना। और जब मेमोरी में ज्यादा जगह लेगी तो मेमोरी फुल होगा, और फुल होगा तो उसकी स्पीड स्लो। तो प्रोग्राम की साइज अगर छोटी होगी तो हमारा प्रोग्राम ज्यादा तेजी से एग्जीक्यूट करेगा, और छोटा रखने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फंक्शन को एक बार बनाइए और उसको जहां जरूरत है वहां पे कॉल कर लीजिए। इससे फायदा क्या हुआ, एक ही प्रोग्राम को हम कई बार रीयूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही कोड को कई जगह पे, एक बार यहां पर रीयूज किया, एक बार यहां यूज किया, एक बार यहां यूज किया, तो जहां जहां आवश्यकता है वहां पे इसको रीयूज कर सकते हैं। तो फंक्शन का जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है, अ फंक्शन कैन बी reused again and again. क्या फायदा है, a function can be reused again and again. बार बार उसका प्रयोग कर सकते हैं, एक बार लिखिए और बार बार प्रयोग करिए। ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार आपने फंक्शन बना के रख लिया, अब किसी भी प्रोग्राम में आवश्यकता है उसको यूज कर लो, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो आप लोग स्कैनर फंक्शन यूज करते हो कि नहीं करते हो, आपने बनाया है, किसी ने बना के रख दिया है, आप उसको यूज कर रहे हो। अगर उसने नहीं बनाया होता तो आपको बनाना पड़ता। तो फायदा क्या हुआ, किसी ने एक बार बना के रख दिया, आप यूज करो जब चाहे तब, जितने बार चाहे उतने बार यूज करो। फायदा क्या हुआ, समय बचा आपका, प्रोग्राम की साइज छोटी हो गई, है ना। सो अ फंक्शन कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इट हेल्प्स इन reducing the size of our program. यह हमारे प्रोग्राम की साइज को छोटा रखने में मदद करता है। और एक चीज और, अगर मान लेते हैं आपके उस प्रोग्राम में जो चार दस लाइन का कोड है उसमें आपको कुछ चेंज करना है, तो क्या होगा, अगर आपने रिपीट किया है, फंक्शन नहीं बनाया है, तो जहां जहां भी उसको रिपीट किया होगा वहां वहां जाके चेंज करना पड़ेगा। बोलो, 10 जगह यूज किया तो 10 जगह चेंज करना पड़ेगा, जबकि फंक्शन बनाएंगे तो फायदा क्या होगा, एक जगह सही कर दिया, हर जगह अपने आप सही हो गया। तो इससे हमारा मेंटेनेंस का समय भी बच जाता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन reducing the maintenance time and effort. हमारा maintenance का समय और मेहनत बचाता है। Is that clear?
तो ये हमारे फंक्शन के एडवांटेज हुए। फंक्शन को एक बार बनाइए, बार बार यूज करिए, रीयूजबिलिटी। फंक्शन बनाने से हमारा प्रोग्राम साइज छोटी हो जाती है और इसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है। फंक्शन बनाने से हमारा मेंटेनेंस का कॉस्ट और मेंटेनेंस का टाइम और मेंटेनेंस का मेहनत सब कम हो जाता है, बच जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? Let us now talk about types of function. जब हम function use करते हैं तो function दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह। पहला inbuilt और लाइब्रेरी फंक्शंस। इनबिल्ट या लाइब्रेरी फंक्शंस, यानी कि वो पहले से फंक्शन बने बनाए हैं, उसकी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, आपको जब जरूरत हो आप यूज कर लो। जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है जो आप यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। उसको यूज करने के लिए उसका लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। जैसे प्रिंटर यूज करना है तो हम लोग stdio.h को इंक्लूड करते हैं, स्कैनर यूज करना है तो भी उसी को इंक्लूड करते हैं। तो वो जिस हेडर फाइल में है उसको इंक्लूड कर लिया और अपने प्रोग्राम में यूज कर लिया, राइट। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इनबिल्ट या लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये कैसे फंक्शन है? दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शंस विच आर अवेलेबल as a part of compiler or developer kit. These functions are available as header files. These header files contain one or more library functions. ठीक है, समझ में आ रही बात? ये जो हेडर फाइल में हमारे पास एक या एक से अधिक फंक्शंस होते हैं। When we want to use any function, any library function, we must include the appropriate header file in our program. अगर हम इन फंक्शंस का प्रयोग अपने प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो अपने प्रोग्राम में हमें वो उचित हेडर फाइल का प्रयोग कर इंक्लूड करना पड़ेगा जिसमें कि वो फंक्शन डिफाइंड है। समझ में आया? हमारे लाइब्रेरी फंक्शन के एग्जांपल क्या है?
scanners, printers, get C, put C, ये सब क्या है? सब लाइब्रेरी फंक्शंस हैं. CLR, SCR, ये सब क्या है? लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जिनका हम अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं अगर हम उसके हेडर फाइल को इंक्लूड कर लें तो. समझ में आया? इज दैट क्लियर? जो अगला कैटेगरी है फंक्शन का, इसे हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी ऐसे फंक्शंस जो पहले से बने बनाए नहीं है, उसे हम खुद बना रहे हैं अपने जरूरत के अनुसार. जो हम बना रहे हैं ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन. रेडीमेड फंक्शन जो पहले से बनाए बनाए हैं, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन. जो हम जिसका कोड लिख रहे हैं वो क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन. राइट? समझ में आया? Functions are declared, defined, and used by the user. Used by the user. हमारा यूजर क्या करता है? ऐसे फंक्शंस को डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है और उसका वो पहले से बने बनाए. द यूजर डिफाइंस द फंक्शन according to his or her requirements. User ऐसे function को अपने जरूरत के हिसाब से बनाता है, उसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से बनाता है. पहले से बने बनाए नहीं. जैसे कि आपने देखा होगा main function हर बार हम लोग बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, तो मेन भी एक फंक्शन है. हालांकि उसका नाम मेन होना जरूरी है क्योंकि वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरुआत होता है, बट वो हम बनाते हैं ना, तो मेन कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड फंक्शन. हम चाहे तो और भी फंक्शन बना सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार. तो ऐसे सारे फंक्शन को क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड. समझ में है? इज दैट क्लियर? चले हम लोग कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखें कि कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन जब बनाते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है. ध्यान दीजिए, फंक्शन के तीन स्टेप्स हैं. कितने स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन. सबसे पहले आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना. उदाहरण के लिए अगर ज्वाला इनको अपना दोस्त बनाता है, किसको? अभिजीत को अपना दोस्त बनाया तो अपने घर में इंट्रोड्यूस करेगा ना कि पापा मम्मी ये मेरे दोस्त हैं.
जब तक इनके घर वालों को पता नहीं लगेगा कि ये इनके दोस्त हैं, इनकी एंट्री इनके घर में नहीं होगी, राइट? तो ये पहले एक बार बताएंगे, दिस इज माय फ्रेंड। अब कभी ज्वाला घर पे नहीं भी होगा तो ये अभिजीत उसके घर जा सकता है, उनके घर बैठेगा, इंतजार करेगा, जब ज्वाला आएगा तो बातचीत होगी उनकी। समझ में आ रही मेरी बात? तो पहला, सबसे पहला स्टेप क्या है? डिक्लेयर करना। और प्रोग्राम में किसको डिक्लेयर करते हैं? आप कंपाइलर को बताते हैं कि ये एक फंक्शन है जो मैं बना रहा हूं, पहले से बना बनाया नहीं है, मैं बना रहा हूं, ये मेरा फंक्शन है। जैसे आप घर पे बताते हैं ना कि ये अभिजीत मेरा फ्रेंड है, बट आप उसको उसके साथ बताते हैं ये मेरा AIIT में फ्रेंड है, AIIT जहां पढ़ने जाता हूं वहां पे ये मेरा फ्रेंड है। तो मान लेते ये फ्रेंड कहीं और से बने हैं तो बताना पड़ेगा ये मैंने वहां पे इनको फ्रेंड बनाया है, या मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, या मैं जहां काम करता हूं वहां पे ये भी काम करते हैं, ये मेरे वहां के फ्रेंड है। अब देखिए, फ्रेंड को बताना पड़ेगा किस टाइप से वो आपका फ्रेंड है। वैसे ही जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा ये फंक्शन कैसा है। पहले तो फंक्शन का नाम क्या है, जैसे इनका नाम बताया गया होगा कि अभिजीत है, किस टाइप का फंक्शन है, क्या क्या करता है, ये हमें भी बताना पड़ेगा। तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, वी डिक्लेयर द फंक्शन नेम, द रिटर्न टाइप एंड डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू द कंपाइलर। हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमारे फंक्शन का नाम क्या है, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, और हमारा फंक्शन क्या क्या किस टाइप का डेटा लेता है, हमारा फंक्शन किस टाइप का डेटा लेता है। उदाहरण के लिए, अगर सूरज को एक शर्ट सिलवानी है, शर्ट, तो किसके पास जाएगा? दर्जी, टेलर के पास जाएगा ना, तो उसके फंक्शन का नाम क्या है? टेलर, ठीक ना? अब टेलर इनको देखते ही शर्ट बना देगा? नहीं, इनको कुछ देना पड़ेगा, इनको कुछ। अब क्या देंगे? एक तो शर्ट का कपड़ा देंगे जिसका शर्ट सिलवाना चाहते हैं, दूसरा अपना नाम देंगे, नाप, सॉरी, किस साइज का शर्ट बनाना है, तीसरा स्टाइल बताएंगे किस स्टाइल से बनाना है, किस डिजाइन का बनाना है, है ना? साथ ही साथ मुद्रा भी देना पड़ेगा भाई, उसके तो काम होगा। तो शर्ट का कपड़ा दिया, शर्ट का नाप दिया, स्टाइल बताया, डिजाइन बताया, और क्या बताया? पैसा। जब इतनी चीज देंगे तब इनका शर्ट बनेगा। तो जो हम फंक्शन को दे रहे हैं, जैसे इन्होंने टेलर को दिया, तो जो दिया उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? जो आपने दिया उसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स या, तो फंक्शन को काम करने के लिए कुछ डेटा चाहिए, तो जो डेटा हम फंक्शन को देते हैं उनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। तो आप जब डिक्लेयर करते हैं तो बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप का पैरामीटर लेता है, पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है, पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है, और कितने हैं, एक पैरामीटर है, दो पैरामीटर है, 100 पैरामीटर है, आपको बताना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, जब आपका, आपने कपड़ा दिया, नाप दिया, पैसा दिया, तो टेलर आपको क्या रिटर्न करेगा?
सिला सिलाया ड्रेस, सिला सिलाया शर्ट, ड्रेस मटेरियल दिया और इन्होंने क्या रिटर्न किया? ड्रेस। तो जो रिटर्न कर रहा है उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। क्या कहते हैं? रिटर्न टाइप। यहाँ पे रिटर्न टाइप में हम बताते हैं उसका डेटा कैसा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है या फ्लोट रिटर्न कर रहा है या कुछ और रिटर्न कर रहा है, डबल कैरेक्टर जो भी कर रहा है, ठीक है। तो जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो तीन चीज बताते हैं, एक वो रिटर्न क्या कर रहा है, किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, दूसरा उसका नाम क्या है, और तीसरा उसके आर्ग्यूमेंट क्या, डेटा टाइप क्या है और कितने आर्ग्यूमेंट है। ये तीन चीज आपको बताना पड़ता है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन के डिक्लेरेशन को ही हम फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं, और उसके डिक्लेरेशन को बोलते हैं ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। क्या है? फंक्शन का प्रोटोटाइप है, ठीक है ना, समझ में आया। दूसरा स्टेप होता है defining the function. अच्छा, पहले तो हम declaration की बात करें। हम function को declare कहां करेंगे? Program में कहां करेंगे? जैसे variable declare करते हैं use करने से पहले, वैसे ही function को भी declare करेंगे। जहां variable declare किया उसके पहले या उसके बाद? जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही फंक्शंस को भी डिक्लेयर करेंगे। आप फंक्शन को चाहे तो मेन के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मेन के ऊपर या मेन के अंदर शुरुआत में, मेन के ऊपर या मेन के अंदर जहां वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वहां पर, राइट। अब बात करते हैं डिफाइनिंग द फंक्शन। पहला पार्ट हो गया डिक्लेरेशन, दूसरा पार्ट है डिफाइनेशन। अब फंक्शन काम कैसे करेगा? हमने कहा था ना कि फंक्शन किसी काम को करने के लिए लिखा जाता है, किसी काम को करने के लिए लिखा जाता है। तो काम कैसे करेगा ये उसका इंस्ट्रक्शन जो लिखेंगे वो कहां लिखेंगे? फंक्शन के डेफिनेशन में, फंक्शन के डेफिनेशन में वी राइट the course or instruction in the definition. हम जो set of instruction लिखना है function के लिए वो कहां लिखते हैं? function के definition में। कहां लिखते हैं? फंक्शन के डेफिनेशन। और फंक्शन को डिफाइन कहां किया जाता है? या तो मेन के पहले या मेन के बाद, बीच में, मेन के अंदर नहीं। मेन के अंदर फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे। कहां करेंगे? या तो मेन के पहले कर लो या मेन के बाद करो। अगर मेन के पहले कर रहे हो, ध्यान सुनो, अगर मेन से पहले कर रहे हो तो डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं। अगर मेन से पहले डिक्लेयर डिफाइन कर दे रहे हो, डेफिनेशन ही पहले, जब आपके पिताजी इनको जानते ही हैं, सपोज इनके पिताजी और आपके पिताजी दोस्त हैं, तो आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है कि मेरा दोस्त है? नहीं, उनके आपके पिताजी इनको पहले से जानते हैं, तो मेन के पहले ही जब आपने डिफाइन कर दिया है तो डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? सो we define the function
either before main function or after main function. If it is defined before main, we need not declare it. अगर आपने फंक्शन को मेन से पहले डिफाइन किया है तो उसको डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है. लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज कॉलिंग द फंक्शन. फंक्शन का प्रयोग करना. आपने डिक्लेयर किया बताने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए ये मेरा फंक्शन हम है, हम इसको आगे यूज करेंगे. और फंक्शन को डिफाइन किया कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है. फिर जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे उसको कॉल करेंगे, प्रयोग करेंगे. इसी को कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन. व्हेन वी रिक्वायर the processing performed by the function, we make a call to the function. जब आपको प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, फंक्शन कुछ प्रोसेसिंग ही तो करता है, जब उस प्रोसेसिंग की आवश्यकता है तो आप उस फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करोगे. ठीक है ना, इसी को कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन. अब जैसे सूरज को जब कपड़ा सिलवाना था तो वो अपने दर्जी को कॉल करेगा, उसको देगा अपना कपड़ा, अपना नाम, पैसा और डिजाइन, वो उसको कॉल कर सिल करके रिटर्न कर देगा. ठीक है ना. अब कैसे सिलना है वो प्रोसीजर आपको उसने कहीं सीखा होगा, उसको पता होगा कैसे करना है, दर्जी को आता होगा कैसे काटना है, कैसे सिलना है. अगर नहीं आता होगा तो ये सिखाएगा ऐसे, मेरा कपड़ा ऐसे सिलो, हालांकि वो हमें करने की आवश्यकता नहीं है. समझ में आया. तो ये तीन पार्ट होते हैं फंक्शन के. कौन कौन से? डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग. क्या इतनी चीज सबको समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया मेरा काम आधा हो गया. अब आधा काम हम कल करेंगे, यानी कि कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे कॉल किया जाता है. उम्मीद करता हूं कि आपको आज का क्लास पूरा समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय भारत.